वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब न्यू चैनल। ओके ऑल वर आप सब ठीक होंगे। तो हम आज किधर जा रहे हैं? आज जा रहे हैं यू पार्क। हमारा फर्स्ट व्लॉग है और अभी हम ये देखें रोड पे खड़े हैं, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा बाइक है और अभी हम जा रहे हैं यू पार्क। आई होप आपको ये पसंद आएगा हमारा, और इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना लाजमी प्रेस करें, और प्रेस करना क्योंकि उसी के साथ दुकान चलती है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम ये देखें तो हम ये बाइक पर बैठ गए। तो अभी ये हमारे साथ हमारे जवाब पे बैठे हैं बाइक पे, हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। तो अभी हम देखना, स्किप मत करें, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो भाईजान अभी हम सफ़र में, तो ये देखें नज़र चौक आ गया, ये व्यू आपको नजर आ रहा है। ये देखें ये ऊपर आ गया पब्लिक पार्क, मतलब पार्क वाली साइड पे जाना है, इधर जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड होंगे और ये कैरी चौक जाना है तो सीधा जाएंगे। अभी हम जो पुल है उसके नीचे, तो जैसा कि अभी हम पहुँच गए हम आपको मिल पाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया, तकरीबन हमें यहाँ से लगेंगे 5 या 4 मिनट। तो जैसा कि लोगों को तो नज़र भी आ रहा है जी, जो इधर के रहने वाले उनको समझ आ जाएगी, तो जो दूर है उनको पता चल जाएगा 4 मिनट बाद हम यू पार्क के सामने होंगे। ये यहाँ से एंट्री पार्क होती है, एंट्री गेट जो है ये है, यहाँ से बाइक की एंट्री है। बीस रुपए लेते हैं एंट्री टिकट के, और फिर यहाँ से आगे तो वो भाई मंजर शिकार है भाई। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। फ्री गेट है यहाँ पर, गाड़ी पार्किंग करने की जगह है, बाइक पार्किंग करने की जगह है, और इसके अलावा फिर ये ट्रैक आ जाता है वॉकिंग ट्रैक, यहाँ पे पैदल जा सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, रश देखें प्ले ग्राउंड। बहुत दूर तक ये ट्रैक है, इस पे पैदल चलना पड़ता है, पार्क यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये देखें यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस साइड पे, राइट साइड पे ये भी बैठने की जगह है। और यहाँ के ट्रैक खत्म हो गया, अब यहाँ पे ट्रैक खत्म हो जाएगा और यहाँ से एक रोड नजर आएगी आपको जो उस साइड ले जाएगी, कैमरा मैन दिखा रहे हैं हमें, और एक ही साइड, अब आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा किस साइड पर, हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मंजर ने आपको बताया था कि दो रोडें जा रही हैं, एक किधर जा रही है और एक इधर, एक ये है आप पढ़ लें पहले खुद, वो बहुत रोशनी आ रही है। अभी हमने इस साइड पे नहीं जाना, इस साइड पे जाना है। क्या साइड पे आपको चेक करें, यहाँ पे आपको छोटी पार्क मिलेगी जिसमें फ्री झूले, और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं आके। और सबसे मज़े की जो बात आपको बतानी थी कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्क है, इस पे आएँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी पार्क। ये देखें अभी हम जा रहे हैं यार, ये पाकिस्तान में मेन मेन चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। पिंडी है पाकिस्तान में, जो रावलपिंडी है उसके एक मशहूर यू पार्क जी। इसकी सबसे मुझे अच्छी जो बात लगी, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो कम कीमत पर 20 या 30 रुपये पाकिस्तानी लेकर ये आपको बाहर और अंदर जो है लेके जाती हैं। ये देखें ये ट्रेन टाइप गई है, अभी इसमें आप बैठे हैं तो इंशाल्लाह आपको, क्योंकि हम बाहर से भी लोग गाड़ी में भी जाते हैं, उधर भी आगे गाड़ी जी भी बिल्कुल इनकी बात में कुछ पॉइंट था कि आप आते गाड़ी में ही हैं तो पार्क में इंजॉय करें पैदल चल कर, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये अभी ये स्नेक हाउस आ गया, चेक करें, यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो इसका टिकट है देखने का स्नेक हाउस का, आई थिंक 100 है जी जी 100 टिकट पर आप अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद मज़े की अच्छी झील है ये, इस पर आएँ तो लाजमी बैठें इस पर। ये देखें ये इंजॉय कर रहे हैं लोग, और इधर को लोग खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये देखें और बड़े मतलब कि अच्छी झील है ये, इस पर आएँ और आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। इसके अलावा इसके टिकट का तो नहीं हमें कन्फर्म पता, तो इधर स्नेक हाउस भी साथ ही है, इसके साथ है झील, अगर आप आएँ तो लाजमी इस पर बैठें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये देखें इस पार्क में आप आएँगे तो आपको एक स्टैचू नज़र आएगा, इसमें स्टैचू से पानी गिर रहा है, तो मज़े की बात ये पानी ख़त्म नहीं होता क्योंकि यही वापस आता है,
स्टैचू की खसूसियत ये टंकी लगी हुई है और यही वापस आता है मोटर के जरिए। और ये देखें इस साइड पर टॉयलेट है, और ये इनकी अगर कोई शिकायत करनी हो या कुछ इस तरह का इशू हो तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है। तो जैसा कि हम अभी उस रोड से आएँ तो ये आ गया म्यूज़ियम आ गया, तो चेक करें आप म्यूज़ियम यू पार्क म्यूज़ियम जी। तो ये यू पार्क इन जगह पे क्या आता है इनको बता दो यार। इन ऐसा फाइनली हम पहुँच गए अपनी जगह पर, तो यहाँ से आपको मिलेंगे टिकट ये सामने घर से, और टिकट घर से और सामने ये लिखा हुआ है जंगल वर्ल्ड, इसके अंदर पार्क आ जाती है। झूले झूले अगर लेने हैं आप फैमिली के साथ या सिंगल हैं तो आप अंदर जाएं। तो इसके अलावा अगर आपने ट्रैक पे जाना है वॉक करनी है तो इस ट्रैक पर चढ़ जाएं, ये सीधा आपको वॉकिंग ट्रैक पर रह जाएगा। अगर आपने कुछ प्ले खेलना खेलना है तो ग्राउंड भी नीचे वाली साइड। लेट हो गए, हम लेट आए। ये पार्क बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है, यही पार्क है यू पार्क, जो कि पिंडी के एक एरिए में आता है। तो रावलपिंडी मरी रोड से तकरीबन 20 मिनट पार्क तो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। ये बहुत बड़ी पार्क, हम फुल में आपको तो नहीं घुमा सकते लेकिन जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे जंगल वर्ल्ड में, तो क्योंकि हम आगे नहीं लेके जा सकते, आगे इशू ये है कि आगे वॉकिंग ट्रैक है, अगर आपने वॉक के लिए जाना है तो आगे चले जाएं। मेन जो इसका पॉइंट है जंगल वर्ल्ड है, हम आपको लाजमी ये टूर कराएंगे। और इसके अलावा आप पार्क में आए, बहुत बड़ी पार्क है, फुल तो नहीं घुमा सकते क्योंकि हमारे पास में फुल घूमने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो लिहाजा हम जितना कर सकते हैं हम आपको लेके जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ा पार्क है, हम आपको ले जाएंगे टिकट घर में। ये भी हम टिकट करके बाहर खड़े हैं, ये देखें जो आज भाई लाइन में लगे हुए, लाइन थोड़ी लंबी है क्योंकि बहुत बड़ी पार्क है। तो आजकल फिर भी आवाम कम आई हुई है, रश नहीं है इतनी, पर आज ये बहुत बड़ी पार्क है। चेक करें जो आज तक खड़े हैं लाइन में, तो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें 5 से 12 साल तक 30 रुपये और बड़े 50 रुपये। तीन टिकट लिए क्योंकि हम 3 बंदे थे, और इस पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। और इसके अलावा 3 टिकट के कितने बने, 150 रुपया 150 में पाकिस्तानी आपको एंट्री 3 बंदों की, मतलब कि 1 बंदे की 50 रुपया एंट्री है जंगल वर्ल्ड की। और अभी हम ये जा रहे हैं जंगल वर्ल्ड में। यह भूत बंगले का टिकट घर, और ये देखें भूत बंगले का 80 रुपये टिकट है। यह भूत बंगला गए मंकीज के पास। अच्छा इधर आके ना हम एक चीज कंफ्यूजन में हो गए थे कि जुआद कौन सा और बंदर कौन सा, और बड़ी कंफ्यूजन के बाद हमने इसको पहचान लिया कि ये जुआद है। और ये देखें अभी हम क्या चीज है मुर्गा है।
मुर्गा क्या ये इधर देखो क्या ये क्या ये क्या भाई ये क्या तो जैसा कि हम जुलू वाली साइड पे आ गए बहुत थके बहुत बड़ी फिल्म में तो नहीं घूम सके पर हमारा फर्स्ट ब्लॉग था उम्मीद है कि आपको अगर लाइक करें तो किस तरह का ब्लॉग बनाते रहेंगे अगला ब्लॉग बहुत अच्छा होगा हमारे